अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी हम घर से निकले हैं और हम जा रहे हैं अपनी सैटरडे आउटिंग करने, और आज हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ क्या है ये देखने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ चलें आप ही और देखें आज हम क्या नई चीज़ करते हैं। शुक्रिया, चलें। निकल गए हैं और हम जा रहे हैं गाड़ी की तरह। हेलो साके, गाड़ी भी खुल रही। क्या हो गया? सरप्राइज। बच्चे भाग रहे हैं, मजे कर रहे हैं। मूसा ये खड़ा, मूसा हाय। अभी हम आए F9 पार्क इस्लामाबाद का। ये सबसे बड़ा पार्क है, पूरा एक सेक्टर ये पार्क कवर करता है, F9 सेक्टर। हाँ, ये अमिताभ बच्चन के गाने की आवाज़ें आ रही हैं। अब ये नहीं पता कि ये कोई गा रहा है या ये प्लेयर पे बज रहा है रिकॉर्डर पर। और अब अंदर चलेंगे तो चलकर ही पता चलेगा। अंदर दाखिल होते ही यहाँ की ये खूबसूरत रंग बिरंगी छतरियों से ढकी छत और ये खूबसूरत सा लाइटिंग अरेंजमेंट देखकर हम जो है खुशगवार हैरत में गिर गए थे। हमने इस जगह के बारे में सुना तो था लेकिन ये नहीं जानते थे कि अंदर से इतना खूबसूरत इसको सजाया गया होगा। सारी सिटिंग जो थी इस रेस्टोरेंट की ये बाहर थी और लाइव सिंगिंग भी हो रही थी यहाँ पर, ये इसकी सबसे ख़ास बात थी। तो हम अमिताभ बच्चन के पुराने गाने इंजॉय कर रहे थे वहाँ बैठ के, जब तक हमारा खाना नहीं आया। हमने खाना ऑर्डर किया, उसके बाद हम सिंगिंग जो है वो सारी इंजॉय करने लगे। ये मेकी FF के नाम से रेस्टोरेंट था, आई डोंट नो इसको किस तरह प्रोनाउंस करेंगे। इन खूबसूरत दिनों ने हमारे वीकेंड को चार चांद लगा दिए थे। आए आपके साथ भी मैं चंद सॉन्ग्स जो हैं वो शेयर करती हूँ जो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किए। रूप तेरा मत पहना, प्यार मेरा दीवाना, भूल के हम से ना हो जाए। राधे नशी मस्त समा है आज, नशे सारा जहां है। राधे नशी आज नशे है शराबी। म्यूज़िक सुनना होता है और मूसा की हो जाती है बैटरी चार्ज। बहुत इन्जॉय करता है और आपको उसके एक्सप्रेशन देख के पता ही चल रहा होगा कि इस वक्त ये कितने अच्छे मूड में था। और हम सभी जो है खाने का इंतज़ार करते हुए, हमें पता ही नहीं चला किस तरह वक्त गुजरा और हमारा खाना आ गया। ये क्लब सैंडविच है, क्लब सैंडविच है, ये स्मोक सैंडविच है और ये ग्रिल पानी ही है। पसंद का गाना गा रहा है, ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरे बड़े भाई सुना करते थे घर पे, तो बहुत छोटी थी तब से मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है। तो जब ये गाना कोई गा रहा होता है तो ऐसे ही मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है। ये पीछे देख रहे होंगे मेरे, इतना खूबसूरत लग रहा है, लाइट्स एंड एवरीथिंग। और ये जो अम्ब्रेलाज ऊपर लगाई हुई है बहुत खूबसूरत लग रही है। पीछे देखें,
बहुत अच्छी जगह बनाई है फैमिलीज़ के लिए, फैमिलीज आएँ और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, लोग अच्छे हैं, माहौल बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है और वेदर इस्लामाबाद का वो तो वैसे ही आउट क्लास है आजकल। सीम्स लाइक अ नाइस प्लेस, अंदर जाके देखते हैं कि कैसा है। तो हम एंटर हो चुके हैं किड्स जोन में और आपको पता है बच्चे ऐसी जगह पे आके तकरीबन पागल हो जाते हैं और इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि माँ बाप के काबू से बाहर हो गए होते हैं। तो बच्चे जो हैं यहाँ पर इधर उधर दौड़ रहे थे और अपनी पसंद की राइड्स पे जा रहे थे और अपनी पसंद के गेम्स की तरफ जा रहे थे और उनको याद भी नहीं था हमारे अम्मा अब्बा पीछे खड़े हुए हैं। साकिब और मिनसा जो है यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे हॉकी और उसके अलावा जो इज़ान है वो दार्जिलिंग कार में बैठना चाह रहा था लेकिन मिनसा उस पर बैठने पर राज़ी नहीं थी। मिनसा जो है वो फादर के साथ खेलने को प्रेफर कर रही थी तो मूसा और इज़ान को मैंने बिठा दिया इसके अंदर। और जो इज़ान साहब हैं वो पहली बार बग़ैर किसी गाइडेंस के और बग़ैर हमारे अकेले जो है इस तरह की कोई राइड इंजॉय कर रहे थे और उसको चलानी नहीं आ रही थी, डिफ़िकल्टी पेश आ रही थी लेकिन खैर फर्स्ट टाइम था, आहिस्ते आहिस्ते सीख जाएगा। ये मूसा की ज़िंदगी की फ़र्स्ट ट्रम्पोलिन थी, पहली बार ये किसी जंपिंग कैसल में आया था बल्कि पहली बार ये किसी प्ले एरिया में आया था क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ काफ़ी अर्से बंद रहा और अभी इसको हम फर्स्ट टाइम किसी प्ले एरिया में लेकर आए थे। जंपिंग कैसल तक तो ठीक था लेकिन जब मूसा स्लाइड की तरफ गया तो मेरा दिल ऊपर नीचे हो रहा था क्योंकि अभी ये बहुत छोटा है, मुझे डर लग रहा था कि स्लाइड से ये मुंह के बल ना गिर जाए। लेकिन भाई इसका साथ था, उसने कहा मामा मैं इसको स्लाइड दिलवाता हूँ, तो मैंने फिर इसको परमिशन दे दी और मूसा को यहाँ से बाहर हमने कैसे निकाला ये हम ही जानते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी वीकेंड गुजारना चाहते हैं तो ये प्लेस मोस्ट रिकमेंडेड है। फूड इतना मज़े का था कि अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट का भी क्लब सैंडविच क्या ही इतना मज़े का होगा। आप ज़रूर यहाँ आएँ तो इनका क्लब सैंडविच और स्मोक्ड सैंडविच ट्राई करें। इनका पानीनी भी बहुत ज़बरदस्त था, बर्गर्स तो हर जगह से मिल जाते हैं लेकिन इनके सैंडविचेस और पानीनी बहुत ही ज़बरदस्त थे। हमारा फूड ख़त्म हो गया था लेकिन हमारा दिल अभी भी नहीं भरा था, तो प्लीज़ इस प्लेस को ज़रूर विज़िट कीजिए। और इसके साथ ही जो है मैं लेती हूँ इजाज़त, अचानक से मैं आ गई हूँ वहाँ से यहाँ क्योंकि हो गई थी मेरे मोबाइल की बत्ती गुल, मीन्स की बैटरी डेड हो गई थी और व्लॉग अधूरा रह गया था। तो गुड बाय कहने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने घर और जो खुदाफिज करना बाकी रह गया था तो वो अब करती हूँ। बाय बाय एवरीवन।